नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से करा रही है। दुनिया के विकसित और शक्तिशाली देश घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हैं इस महामारी के सामने। हमारा देश और प्रदेश भी इससे अछूता बिल्कुल नहीं रहा है। पूरे देश में कोरोना को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन है, पूरी जिंदगी ठप हो चुकी है, सब कुछ थम सा गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ चीजें चल रही हैं और वो है पत्थर, ट्विटर और सियासत। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम समेत पूरा देश कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए प्रयासरत लगातार दिखाई दे रहा है, वहीं कई जगहों पर पत्थर भी लगातार चल रहे हैं पुलिस कर्मचारियों पर, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, और इनके कृत्यों को विपक्ष अपने ट्विटर और भाषणों के जरिए हवा दे रहा है। इसी पर आज की बहस करेंगे, कोरोना किचकिच और सियासत, देखिए रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के कहर से करहा रही दुनिया, पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ ठप है, लेकिन ऐसे में भी कुछ चल रहा है। पत्थर, ट्विटर और सियासत, कैसे कम होगा कोरोना का प्रभाव जब सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी पर होगा पथराव। कोरोना किचकिच और सियासत। कोरोना की वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्यों की सरकारें काम कर रही हैं ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। जनजीवन ठप है, सब कुछ बंद है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पर ताला लगा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ चल रहा है, वो है सियासत, ट्विटर और पत्थर। एक तरफ जहां कोरोना वॉरियर्स जी जान से कोरोना को हराने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा के लिए खुद असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि कोरोना वॉरियर्स को भी नहीं बख्श रहे। और कहीं डॉक्टर्स पर पत्थर और डंडे चल रहे हैं तो कहीं सुरक्षा कर्मियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक तो मामला संभल जाता क्योंकि सत्ता, संविधान इसका निदान कर लेते, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार से संबल मिलता। लेकिन इसमें सियासत अपना रंग दिखाने लगी है और ट्विटर पर शुरू हो जाता है सियासी उठापटक। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राज्यों के सीएम ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी करते हैं तो विपक्ष ट्विटर और सोशल मीडिया पर चिल्लाने लगता है। और यही सियासत उन उपद्रवियों और किचकिच करने वालों के लिए संजीवनी का काम करती है। इंदौर में सुरक्षा कर्मियों पर पथराव, तबलीगी जमात के लोगों की अभद्रता, अलीगढ़ में बवाल, मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करना जैसे कई काम हैं जो कोरोना को खाद देने का काम करते हैं। और ऐसा करने वालों को खाद दे रही है हमारी सियासत। महामारी के इस दौर में विपक्ष को जहां सरकार के साथ खड़ा होकर साथ देना चाहिए, वहीं विपक्ष सरकार की कमियां गिनाने का जरा काम दिलचस्पी से कर रही है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत कोरोना के साथ साथ किचकिच और सियासत की मार भी झेल रहा है। ऐसे में हम कहां तक और कब तक कोरोना को मात दे पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना भी ये देखकर मन ही मन खुश हो रहा होगा कि चलो कोई तो है जो उसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। जी हाँ, तो पूरे देश में सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि इस महामारी से हम कैसे बचें, किसी तरीके से इसका तोड़ निकाला जाए। तोड़ नहीं निकल पा रहा, समय लग रहा है, तो लोगों को जागरूक करके कम से कम उन्हें महफूज रखा जाए। और एक विपक्ष की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि विपक्ष का काम ऐसे समय पर क्या है, ये जानना भी जरूरी है। इस समय पर साथ सरकार के खड़े रहना है, कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर आंदोलन करना है, आपको साथ देना है अपने लोगों को, अपने देश को किसी तरीके से
से सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उधर से भी कहीं ना कहीं चिंगारी उड़ती नजर आती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ में मौजूद है, मनोज तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ेंगे, धर्मवीर चौधरी जी नेता बीएसपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मनीष झा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिवम, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, देखिए ये किचकिच का जिक्र जो हमने यहां पर किया है ये बहुत जरूरी है, इस पर सवाल उठाना। एक तरफ हम सिर्फ एक महामारी से लड़ रहे थे अभी तक, जो हमारे देश में पैदा नहीं हुई, दूसरे देश से हमारे देश तक आई, वहां तक सब कुछ ठीक था। शुरुआत हुई जमातियों से, पहले उनकी मानसिकता से लड़ना पड़ा प्रशासन को, अभी भी कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही बहुत सारे केसेस हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। उसके बाद में पुलिस वालों पर हमला, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला, डॉक्टरों पर हमला, थूकना, ऐसी तमाम चीजें जो सामने आती गई। उसके बाद में अब जिस तरीके से रैपिड टेस्टिंग पर सवाल खड़े हुए, बहुत सारे मुद्दे अब इकट्ठा हो गए जिस पर किचकिच बहुत ज्यादा मच चुकी है। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि इन सारी चीजों से निपटते हुए जो मेन मुद्दा हमारा है कोरोना का, क्या वो कहीं पीछे छूटा जा रहा है? नहीं देखिए सुश्री जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा पीछे नहीं छूटा जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। हाँ। अगर कोई उसमें राजनीति करना चाहता है वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के सीरियस कंसर्न्स हैं तो मुझे लगता है कि जाहिर है उठाना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये देखते हुए उठाना बहुत जरूरी है कि इस समय इस देश में, ये देश एक महामारी से लड़ रहा है, पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, और उसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो, मैं किसी हद तक कहूंगा कि राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन हम जमात से लड़े, अच्छे से लड़े, वो सब चीजें सेट करी। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो जाहिर है उनके लिए भी सरकार एक विधेयक लेकर आई और उसमें कहा कि ठीक है आने वाले समय में अगर कोई भी पत्थरबाजी करेगा, मारापीटी करेगा, तो उसके लिए आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में तो जाना ही पड़ेगा और 7 साल तक की सजा के भी प्रावधान हैं और इसके अलावा जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक जो समुदाय है वो भी इस चीज को जरूर समझेगा और कहीं ना कहीं इसलिए शांत बैठेगा। अब बात आ जाती है कोरोना की टेस्टिंग किट्स पर, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकार ने जैसे ही इस चीज का संज्ञान लिया तुरंत इस पर रोक लगा दी और कहा के आने वाले समय में जो भी सारी चीजें हैं देखकर बढ़कर सारी चीजों को आगे लेकर जाया जाएगा, लेकिन अभी उनका एक टेस्ट होना बाकी है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सरकार टेस्ट करेगी और रेक्टिफाई करके आने वाले समय में उसको दूर करेगी। लेकिन अगर आप इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इस समय इस देश में जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बाहर हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सत्ता में जरूर रहा है, तो मुझे लगता है उनकी भी जिम्मेदारी इतनी ही है जनता के प्रति, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, सरकार अटल है इस चीज को, एंड वी विल मेक श्योर कि कोई भी परेशानी किसी तरह से आगे ना बढ़े और आने वाले समय में। चलिए टेस्टिंग पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, विपक्ष का जिक्र आज लगातार बार बार हो रहा है। धर्मवीर जी, जब पत्थर चलते हैं, जमातियों का मामला सामने आया, पुलिस वालों को पीटा गया, स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीटा गया, टेस्टिंग की बात हो गई या मजदूरों को खाना देने की बात हो गई, गरीबों को राशन बांटने की बात हो गई, ऐसे ऐसे तमाम सवाल रहे जो विपक्ष ने हमेशा खड़े किए और लगातार कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी करने की कोशिश की। तो सवाल यहां पर जो सत्ता पक्ष है भी लगातार यही पूछता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है इस मुश्किल समय पर हमारे साथ खड़े रहना, क्योंकि हम कोई पहले से तैयारी करके तो नहीं बैठे थे कि हाँ ऐसे समय पर कोरोना आएगा, हमने तैयारी कर ली और हमारी तैयारी कमी रह गई है, सब कुछ अचानक से हुआ, अचानक की सारी प्लानिंग करनी पड़ी है। तो क्या विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा सही से? धर्मवीर जी। जी नमस्कार सर। सृष्टि जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो कुछ करती नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है और उत्तर प्रदेश की जो योगी जी सरकार के जो निर्णय है, इस महामारी से लड़ने के लिए हम सरकार के सराहनीय कदमों का प्रशंसा करते हैं जी। और समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो सराहनीय कदम उठाए हैं, चाहे वो छात्रों को वापस बुलाने का हो और इस महामारी में युद्ध स्तर पर देश में लॉकडाउन का हो, बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही पूरे देश को अवगत करा दिया था। और जो राजनीतिक पार्टियां इस महामारी के मुद्दे पर कोई भी किचकिच या राजनीतिक बयान देती है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी विरोधी पार्टियों को भी ये मैसेज देने का काम करेगी कि इस समय इस महामारी से लड़ने का समय है और हम राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन इस समय देश के 132 करोड़ लोगों को बचाने का जो अभियान भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश समेत देश की
अन्य राज्य सरकारों ने रखा है, हमको उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में सृष्टि जी आपको भी पता होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सारे विधायकों से, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विधायक हैं और माननीय सांसदों से 1-1 करोड़ की धनराशि जनहित के इस COVID-19 की महामारी में योगदान देने के लिए पहले ही आदेश किया हुआ है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार की जो सरकार है माननीय योगी और मोदी जी की, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जो मजदूर देश में कहीं भी फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के साथ साथ उनके भोजन और जो उनकी जो जरूरी सामान की चीजें हैं उसका ध्यान रखना सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है इस समय, क्योंकि हम इस महामारी साथ साथ जो भूख की महामारी है उससे बिल्कुल। चलिए ठीक है धर्मवीर जी, आपके सवाल का जवाब शिवम जी देंगे, मैं आऊंगी आपके पास में। ठीक है, एक सराहनीय आपने जाहिर तौर पर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं सर बल्कि पूरे देश में हर पार्टी को ये समझना चाहिए कि अभी सबकी जान पर है। ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि आप लोग अगर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे तो सरकार का सपोर्ट ही इसमें होगा। मनोज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी, उसके बाद मनीष जी के पास आएंगे। मनोज जी देर से आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन सर जिस तरीके से अभी विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है, हर बात पर ट्विटर पर वॉर भी चल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नुक्ताचीनी की भी बातें सामने आ रही हैं, लूपहोल्स दिखाने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है, तो सवाल बार बार जो सत्ता पक्ष ये पूछता है कि भाई अभी माहौल ऐसा है कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है कि आप हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें कोई लापरवाही करेंगे या हम किसी भी एक व्यक्ति की जान को जोखिम में डालेंगे, मनोज जी क्या स्टैंड है आपका? देखिए सबसे पहले सृष्टि जी मैं माफी चाहता हूं देर से जुड़ने के लिए। जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोरोना का संक्रमण जो है ये एक राष्ट्रीय आपदा है। हाँ। और इस राष्ट्रीय आपदा में पूरी एकजुटता के साथ हम सरकार के साथ हैं। और हम किसी भी हालत में ये चाहते हैं इस आपदा से हम ऊपर आए और आपदा को हराएं, कोरोना को हराएं। और इस कोरोना को हराने के लिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में आज की इस वर्तमान सरकार के साथ पूरी तन्मयता के साथ हम लोग हैं। जी एक बात मैं आपको सृष्टि जी कहना चाहता हूं कि अब सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में तो मैं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, देखिए हमारा एक सकारात्मक पहल है, देश पहले है, राष्ट्र पहले है, लोग हमारे हैं और उन लोगों को जो यह संक्रमण है उससे बचाना है। लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, अभी वर्तमान में मैं अपने प्रांत बिहार में हूँ और जमीनी स्तर पर यहाँ की परिस्थितियों को देख रहा हूँ। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं है, कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ। बल्कि हम सरकार को ये सलाह देना चाहते हैं कि लॉकडाउन जो जब हुआ था उस पर बिल्कुल कांग्रेस ने सरकार का समर्थन किया था और अभी भी हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लॉकडाउन में सरकार को पर्याप्त समय मिला है और इस पर्याप्त समय का सदुपयोग सरकार को निश्चित रूप से जांच में करना चाहिए था। जांच की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी है। हाँ। और इस जांच की प्रक्रिया को अगर नहीं बढ़ाया गया तो जो परिस्थितियां सामने आने वाली है, खासकर मैं बिहार में देख रहा हूँ, गांव में हूँ अभी मैं, उस परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर के आ रहा है।
ठीक है, चलिए चलिए ठीक है मनोज जी, आपका और धर्मवीर जी का सवाल लमसम एक ही मुद्दे की तरफ कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो टेस्टिंग की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए उसमें क्या स्टैंड है सरकार का, मैं उस पर आऊंगी। शिवम आपके सवालों का जवाब देंगे यहाँ पर। मनीष जी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, जो किचकिच का हमने यहाँ जिक्र किया है, जमातियों ने कलेश फैलाया पहले, अभी भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये जो पत्थरबाजी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, पुलिस कर्मचारियों पर हो रही है, पूरा विश्व इससे परेशान है। आज पूरा विश्व घिरा हुआ है, कई लाख मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इकलौता शायद हमारा देश होगा जहां कोरोना के साथ साथ हम ऐसे लोगों से भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि जी, और पिछले कई दिनों से क्या हम काफी समय से देख रहे हैं कि पत्थर तो ऐसे हो गया है कि हाँ। जैसे बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने का मौका मिलता नहीं है तो लोग आजकल पत्थर स्पिन और फास्ट पेस पे फेंक रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है वो ये है कि कुछ लोग अफवाहों को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाते हैं लोगों में। मैंने खुद कुछ लोगों से बात की थी जब मैं ग्राउंड पे था, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास ये पुलिस वाले आएंगे, ये हेल्थ कर्मी आएंगे, स्वास्थ्य कर्मी आएंगे और हमें 14 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। हाँ। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं वो बहुत जल्दी से आग की तरह फैलती है, और जैसे ही ये लोग पुलिस को या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को देखते हैं तो उस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं कि कहीं हमें जेल में ना डाल दिया जाए। और ये एक खास समुदाय या एक कुछ खास एरिया में होता है जहां पर लोगों को आप आराम से आसानी से बरगला सकते हो, चाहे आप सीए के टाइम पे देख लीजिए, चाहे आप अभी इसको कोरोना वायरस के टाइम पे देख लीजिए। लोग टेस्टिंग कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 14 दिन हमें बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। नए नई तरह की अफवाहें, नई नई तरह के वीडियोज और बहुत सारे हेट्रेड, अभी अभी कुछ ही दिनों पहले किसी बॉलीवुड एक्टर ने भी इस पर बहुत ज्यादा हेट्रेड स्पीच दिया था, ट्वीट किया था, और उसके स्क्रीनशॉट लेके लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है। हाँ। इस पे अगर रोकथाम की जा सकती है तो शायद मेरे हिसाब से पत्थरों को भी रोका जा सकता है और टेस्टिंग भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है शिवम जी, अब वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर, टेस्टिंग को लेकर। देखिए बहुत जरूरी भी है ये सवाल, बहुत ज्यादा जो विपक्ष का अपना कंसर्न है वो भी एक तरीके से जरूरी है कि रैपिड टेस्टिंग पर जिस तरीके से अब रोक लगाई है ICMR ने, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना पर हम पहले भी इतना भरोसा नहीं करते थे, चाइनीज सामान पर आप अमूमन नॉर्मली देख लीजिए इतना भरोसा नहीं किया जा सकता था, ऐसी परिस्थिति में अगर वो रैपिड टेस्टिंग की जो किट है वो चाइना से हमें उपलब्ध हुई है, चाइना से अगर आई है जो कि पाकिस्तान में सफल नहीं हुई, उसका फेलियर वहां पर देखा गया है, तो हमने उस पर भरोसा क्यों कर लिया? मतलब उसको हमने तुरंत से लागू कर दिया, तुरंत हमने उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद में उससे टेस्टिंग हमने शुरू कर दी, फिर जब लूप होल्स निकल कर सामने आए फिर हमने उस पर रोक लगाई, वो भी अभी 2 दिनों की रोक है, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हमें सबसे पहले सृष्टि जी इसमें ये जाना पड़ेगा कि ये कैसे किस तरह से सामने आए। ग्वालियर में DRDO के टेस्टिंग लैब्स को फेल बताया गया, राजस्थान सरकार ने इसको फेल बताकर वापस कर दिया। ये पहली चीज थी, गवर्नमेंट ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। अभी किसी को कुछ नहीं पता इसका करंट स्टेटस क्या है, ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। 2 दिन के लिए टेस्टिंग रोकी गई कि चलो ठीक है, लेकिन इसकी जांच करते हैं और आगे फिर इसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये मानती है कि हाँ कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी ने कोई कंसर्न उठाया है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही उठाया है, हम उसको सबसे पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि वहां पर कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब चाइना की बात करते हैं कि चाइना पर ही आकर क्यों रुक जाते हैं। परेशानी ये है कि मेरे घर में अगर किसी चीज की जरूरत है और इमीडिएट हेल्प सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल है बराबर वाले घर में, मेरी मजबूरी हो जाती है उससे लेना। और ये भारत ने नहीं किया है, पूरी दुनिया ने करीब करीब किया है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको सेल्फ प्रोडक्शन में नहीं डाला, सेल्फ प्रोडक्शन भी बनानी शुरू करी है, देश में हमने उसको मैन्युफैक्चर करना भी शुरू किया है, उसका भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप खासतौर पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के इंटरव्यूज और सारी चीजें आपने सुनी होंगी और देखा होगा कि सरकार किस तरह से लगातार टेस्टिंग बढ़ा रही है और तमाम जगहों पर टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं। हमें भी पता है और पूरा देश भी अच्छी तरह से जानता है कि टेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो हम शायद सही रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब दूसरी चीज, अब मनोज तिवारी जी की बात का जवाब दे देता हूं मैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल साथ है और लेकिन टेस्टिंग बेहद जरूरी है। मैं मानता हूं कांग्रेस में जो 2 धड़े हैं, देखिए सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है, अगर आप इंसानों को लॉकडाउन करेंगे तो डिजीज विल बी लॉक्ड इन, जैसे ही इंसान बाहर आएंगे डिजीज विल बी लॉक्ड आउट। हमें स्ट्रेटेजिकली
करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, सबको पता है इस देश में कि जाहिर है कि सिर्फ लॉकडाउन से इसका हल नहीं होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन का सिर्फ एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को जो है तोड़ा जाए। जिस स्थिति में हम हैं, इन हफ्तों में आकर कमर टूट गई थी इटली और अमेरिका की, और आज भी हालात कैसे हैं सबके सामने हैं। जहां तक बात टेस्टिंग की है, हम लगातार उसको बढ़ा रहे हैं और भी बढ़ाएंगे, लेकिन राजनीति जो लगातार हो रही है, कभी समाजवादी आती है और कहती है कि ठीक है नहीं, आप हमें व्हाइट पेपर दीजिए, ये जो पीएम केयर्स में जो फंड आ रहा है ये गलत है। सेम एज कांग्रेस की तरफ से भी यही बातें आती हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता नहीं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी, उस पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कहने के लिए हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी कांग्रेस सिर्फ शराब बांट रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि इस समय देश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ आए और लगातार चीफ मिनिस्टर से बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी अनाउंस किया कि 27 तारीख को फिर से हम बात करेंगे सभी चीफ मिनिस्टर्स से, और आगे जो सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीजें होंगी, जैसा निर्देश जो भी हो सकते हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप राजनीति करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि चीजें आने वाले समय में प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। चलिए मनोज जी, देखिए बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डबल स्टैंडर्ड देखे जाते हैं। अब महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा, वो आपके सामने रहा। यूपी में पत्थरबाजी होती है, बहुत सारे ट्वीट आ जाते हैं, जमातियों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से निकालने की कोशिश की गई उस पर बहुत सारे ट्वीट आ जाते हैं। कांग्रेस में ही दो धड़ा है जो अलग अलग तरीके की बातें करता है। महाराष्ट्र में जब चीजें हुई, जब मजदूर वहां पर इकट्ठा हुए, अफवाह फैली, क्या हुआ, कैसे इकट्ठा हुए, वो पूरी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन संजय निरुपम हमारे चैनल पर ही बोलते हैं कि हर किसी को एक एक व्यक्ति को खाना खिला देना ये बस की बात नहीं होती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये चीज खुद के लिए एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए लागू है, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है, हम सरकार में हैं। लेकिन कहीं और पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही है, थोड़ी भी कमी है, या जो भी चीजें आप कह लीजिए, तो वहां पर वो महापाप हो जाता है जो राहुल गांधी बार बार टारगेट करते रहते हैं। सर, तो ये दो तीन तरीके की जो चीजें हैं ये समझ में नहीं आती है। मनोज जी, सबसे पहले मैं शुभम त्यागी जी की बात को सुनना था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दलीय परिस्थितियों को उनको रखने का अधिकार है, और जो आज उनका वक्तव्य है मुझे तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है उनका वक्तव्य सुन करके। उनको अभी भी राजनीति में धड़ा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को वो धड़े में बांट रहे। उनको ये पता नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बयान आया है, और लगातार ये बयान आते रहा है कि आज हम इस परिस्थितियों में, ये इस राष्ट्रीय आपदा में हम पूर्ण रूपे सरकार के साथ हैं। अब रही बात लॉकडाउन की, तो राहुल गांधी जी का जो बयान है, मुझे लगता है शुभम त्यागी जी ने भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में उसको देखा है। अगर वो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते तो राहुल गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, और उनका ये कहना कि लॉकडाउन इसका समाधान, संपूर्ण समाधान नहीं है। उनका इस बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉकडाउन में हम भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि लॉकडाउन में सरकार को मिले हुए पर्याप्त समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग क्या होगा, टेस्टिंग की प्रक्रिया को, टेस्टिंग गति को बढ़ाना। देखिए चलिए मनोज जी, मनोज जी यही डबल स्टैंडर्ड की बातें होती है कि अभी सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा है, लॉकडाउन ही इसका इलाज है, ये बार बार कहा गया है, वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, जब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे, और कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। ये चीज बच्चे को मालूम है कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं खत्म होगा, तो कोई नया ज्ञान राहुल गांधी ने नहीं दिया। जी हाँ, तो कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है, ऐसे माहौल में लगा था कि इस तरीके की सियासत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर भी सियासतदान बिल्कुल पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दिए। चाहे वो एक तरफ आप देख लीजिए, पत्थरबाजी लगातार पुलिस वालों पर चल रही है, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर चल रही है, और सियासत अपनी जगह एज इट इज चल रही है। शिवम, जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि बार बार जो बात कर रहे हैं, मनोज जी ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव तरह से कुछ होना चाहिए, इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, लगातार यूटिलाइज किया है साहब। 15 तारीख से आज तक 4 बार मीटिंग हुई है, किन किन स्टेजेस पे, किन किन जगहों को, किन किन चीजों को खोलना चाहिए, कहां कहां स्टेट पे बार बार रिव्यू चीजें की जा रही है, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, उत्तर प्रदेश के अगर डेटा मनोज जी के पास है तो वो सारी चीजें भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हम जो लगातार कर रहे हैं कि ठीक है, लॉकडाउन पर हम समीक्षा भी कर रहे हैं, 4 अलग अलग स्टेट्स के लिए 6 टीमें भी बनाई गई हैं,
कि अगर ग्राउंड पे कुछ रियलिटी में डिफरेंस है, उसमें खुद का हमारा भी एक स्टेट मध्य प्रदेश है, तो चारों तरफ से सभी चीजें लगातार जारी हैं और सभी स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो मतलब शराब बांटने को भी एसेंशियल्स में मानते हैं और वो मानते हैं कि वो भी जरूरी है मनोज तिवारी जी, तो बात अलग है। वैसा तो बीजेपी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है बाकी और भी जो चीजों की जरूरत होगी, मैं ये नहीं कहता कि सरकार गलत या सही, लेकिन इतना तय है कि अगर कुछ भी जरूरत होगी या फिर कहीं पर भी सरकार को लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, तो लगातार सब चीफ मिनिस्टर्स की राय भी ली जाएगी और इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि आज दो टीमें गई वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। मतलब हम बात कर रहे हैं कोरोना की और आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग स्टेट से आ रही है। शिबू सोरेन जी का भी यही एक बयान आया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, मिलकर सारी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो उपकरण होने चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो उतनी नहीं है। हम क्या, जो विकसित डेवलप्ड देश है उनके पास भी नहीं है। लेकिन यूनिटी अगर रहेगी तो इस चीज से निकला जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें भी राजनीति देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश के मनोज जी जी, मैं एक बात अपने शिवम भाई से कहना चाहता हूँ कि शीत रूम से बाहर आना पड़ेगा। मैं अभी वर्तमान में बिहार के गांव में हूँ और मैं उनको इस परिस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ कि जरा सरकार की संजीदगी देखिए। मैंने पहले भी बोला है, ये कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। आज हालात बिहार के ये है कि बिहार का कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ आइसोलेशन सेंटर जो सरकार के द्वारा बनाया गया है वो किसी भी अहर्ता को पूरा करता हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात ये हैं कि यहाँ पर ग्लव्स और मास्क नहीं है। डॉक्टर्स के लिए ग्लव्स और मास्क उपलब्ध नहीं है। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। रही बात टेस्टिंग किट की, सरकार कहती है कि हम टेस्टिंग किट बढ़ाए हैं, टेस्टिंग बढ़ा है। मैं तो कह रहा हूँ टेस्टिंग घट गया है। अच्छा मनोज जी मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, एक नागरिक होने के नाते भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है सर, आपने अभी तक लोगों के लिए क्या किया? आपकी तरफ से कितने ग्लव्स और कितने मास्क बांटे गए? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। आपकी सरकार, आपकी सरकार जिस राज्य में है सर, देखिए मनोज जी आपने शुरुआत की थी, मनोज जी अपने किसी चैनल के व्यक्ति को बिहार में भेजिए। मनोज जी जब मैंने आपको सारी जब मैंने आपके सामने सारी स्थिति रखी, शराब पर आपने जवाब नहीं दिया, आप बिहार ले गए इस चीज को अलग अलग करके। आप मुझे बताइए ना, सीधा पॉइंटर सवाल है कि आपके युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके महाराष्ट्र के सेक्रेटरी की गाड़ी में राशन नहीं था लोगों के लिए, खाने के पैकेट्स नहीं थे, शराब थी, वो किस लिए थी? वो राहुल गांधी को देने के लिए जाया जा रहा था या पब्लिक में बांटनी थी उसको? अब देखिए, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं चलेगा, सवाल सुन लीजिए ना। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। वो जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में शराब मिली है, वो किसको जा रही थी? वो राहुल गांधी को जा रही थी या जनता को जा रही थी? और अगर वो जनता को जा रही थी या राहुल गांधी को, तो उस व्यक्ति को सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने अभी तक अपनी पार्टी से? क्यों नहीं किया? और मुझे एक चीज और बता दीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी में तीनों में से हाथ धोने की वीडियो के अलावा किसी ने और क्या किया? आप कर क्या रहे हैं? अरे 58 साल तो राज आपका भी रहा है ना इस देश में, 58 साल प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे सुनिए, आपका ये अच्छा, आप सुनेंगे नहीं और दूसरे को सुनाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? एक मिनट शिवम, मनोज जी शांत हो जाइए थोड़ा सर, शांत हो जाइए, पैनिक मत होइए, पैनिक मत करिए मनोज जी, चिड़चिड़ाने की, गुस्सा होने की बात नहीं है इसमें, इतना पैनिक क्रिएट मत करिए मनोज जी, बहुत सिंपल सा सवाल है सर। मनोज जी आप सुन लीजिए, मनोज जी इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर राहुल गांधी के बारे में एक सवाल पूछ लिया तो आप तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ये क्या है? अरे दूसरे व्यक्ति को भी सुन लीजिए, आप सुन नहीं रहे किसी को। मनोज जी आप बहुत कंसर्न में दिखाई दे रहा है,
आप बहुत कंसर्न है हमें दिखाई दे रहा है, आप सुन भी लीजिए, आप सुन भी लीजिए, आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि स्टूडियो में बैठकर बात करने से कुछ नहीं हो जाता है, आपको बार बार बताया गया है सर, आपको बार बार बताया गया है कि हम लोग फील्ड पर भी काम करते हैं, हम लोग फील्ड पर भी काम करते हैं, हम लोग भी गांव गांव घूमते हैं सर, आपकी तरह नहीं, हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं सर। तो ये मत बिल्कुल सिखाइए कि आप स्टूडियो में बैठकर ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था मनोज तिवारी जी, आपको नहीं सुनना है तो आप बता दीजिए, आपको नहीं सुनना है तो बता दीजिए। मनोज जी आपकी बात मैं फिर से कोट कर रही हूँ, आपने कहा सरकार का फेलियर है, सरकार टेस्टिंग नहीं करवा पा रही, खाना नहीं दे पा रही। चलिए मैं सारी चीजें आपकी मान रही हूँ, मैं आपकी सारी चीजें मान रही हूँ मनोज जी, ठीक है, आपने बात नहीं की, आपने टेस्टिंग की बात की। और संक्रमण को रोकने के मनोज जी, मनोज जी क्या हो गया है आपको, मुझे एक चीज, अरे मनोज जी पानी अगर आपके आसपास में है तो पी लीजिए, आपको इतना ज्यादा एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह का मैसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं अपनी पार्टी में दे, ज्यादा बेहतर है। आपका जो फ्रंट लाइन वर्कर से लेकर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हैं, अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, और टेस्टिंग की हालात जो भी है इस देश की जनता के सामने है, सारे डेटा जनता के सामने है मनोज जी, उसमें कुछ छुपा नहीं है। लेकिन मुझे, अरे आपने फिर सवाल गोल कर दिया, आप परेशानी ये है कि आप ना वन साइडेड ट्रैफिक चलाते रहते हैं। मैंने आपसे पूछा आपके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके लिए शराब लेकर जा रहे थे, अरे शराब क्या वैक्सीन है क्या कोरोना की, बताइए ना, अब बताएंगे नहीं, ये देखिए फिर वन साइडेड। ठीक है शिवम, मैं आऊंगी। मनोज जी शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए सर, हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा कंट्रोल करिए, मौके की नजाकत को देखिए मनोज तिवारी जी, मौके की नजाकत को देखिए, थोड़ा शांत होइए सर, थोड़ा कंट्रोल करिए, इतना पैनिक क्रिएट मत करिए सर, यही यूनिटी आप दिखा रहे हैं, यही आप सरकार के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं, यही सारी पार्टियां साथ मिलकर काम कर रही होती तो आज ये सिचुएशन हमारे देश की नहीं होती। मनोज जी मैं आऊंगी आपकी पास में, धर्मवीर जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी ये इलेक्शन नहीं चल रहा है, भूल गए, भाषण मत दीजिए, इलेक्शन नहीं चल रहा है, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, आंदोलन नहीं हो रहा सीए का, इलेक्शन नहीं चल रहा है, आराम से भाषणबाजी मत करिए सर, कोई पहले से साल भर पहले से तैयारी करके नहीं बैठा था कि कोरोना आने वाला है, हमें ये तैयारी करनी, मैं आऊंगी आपके पास। धर्मवीर जी मैं बोल रही हूँ सर, धर्मवीर जी बोलिए, मनोज जी मैं आऊंगी आपके पास, आप पहले सोच लीजिए कांग्रेस ने क्या क्या किया है, कांग्रेस ने COVID-19 के लिए अभी तक क्या क्या स्टेप उठाए हैं, आपके हमें बताइएगा, आपने इतने साल राज किया है देश में, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, धर्मवीर जी बोलिए। सृष्टि जी मैं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई का समय नहीं है जी, ये इंटरनल जो महामारी है उससे लड़ने का समय है। और मैं दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे छात्र अदर स्टेट ऑफ जी, बोलिए धर्मवीर जी, उनको उनके घर पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार निभाए, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले, चाहे वो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनके गंतव्य स्थान पर भी सरकार उनको पहुंचाने के लिए इस लॉकडाउन की व्यवस्था बना करके उनके घर पहुंचाए सरकार। और ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग लड़ना छोड़े, हाँ। ये जो है आपस में एकजुट होकर के इस महामारी को हराने का समय है। और जो ये हमारे डॉक्टरों के साथ में, पुलिस के साथ में, मीडिया कर्मियों के साथ में जो बदतमीजियां हो रही हैं, इनके साथ में कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है सरकारों के द्वारा, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में ऐसे लोग जो
कानून को तोड़े गए उनको खड़ा कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत गिरफ्तार करें और उनको जेलों के अंदर डालें। ठीक है सर। मनीष जी, एक सियासत का नमूना आपने यहीं पर देख लिया कि सियासत आखिरकार ऐसे समय पर भी कहां से कहां पहुंच सकती है। एक एक चीजें, एक एक लूपहोल, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बार बार ट्वीट करना, बार बार वीडियो शेयर करना। राहुल गांधी सिर्फ अभी सलाह मांग रहे हैं कि ये उद्योग ठप पड़ गया है, ये हो गया है, लॉकडाउन से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। सबका अपना अपना कंसर्न है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतनी नुक्ताचीनी, इतनी सियासत, ये कोई किसी दूसरे देश से हमारी लड़ाई नहीं चल रही है, एक ऐसी महामारी से लड़ाई चल रही है जिसका कोई तोड़े नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी आदत से मजबूर हैं और आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो बहुत सारी बातों का जवाब अभी हमें इसी डिबेट में पिछले 40 मिनट में देखने को मिला है। एक तो शिवम जी ने अभी बताया कि वो बिहार में हैं और बिहार के बारे में ही वो अपने पूरे डिबेट के दौरान उन्होंने बिहार की ही बात की, बिहार की सरकार को नकारा बताया। हाँ। क्योंकि वहां पे एनडीए की सरकार है। अब ये देखिए कि क्यों बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में नवंबर में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत है और बंगाल में अगले साल ही इलेक्शन है। हाँ। तो सियासत तो चालू रहेगी, सियासत ही करेंगे। एक बात मनोज जी ने और बोल दी कि 20 दिनों से ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ। मैंने आपको अपने शुरू वाले ही पॉइंट में कहा था कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं लोगों के बीच में कि अगर आप टेस्टिंग कराएंगे, अगर आपके पास में जाएंगे। मैं आपके लिए, आपके ऊपर पॉइंट पिन पॉइंट नहीं कर रहा मनोज, मतलब मनोज जी ऐसा कर रहे हैं क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो बिहार के अंदर, मैं उनके ऊपर कोई पिन पॉइंट नहीं कहा है मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का जो जागरूकता अभियान है ये तुरंत बंद होना चाहिए, ना सिर्फ उनको कि जो पत्थर मारते हैं और जो हेल्थ कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की हेटरेट फैलाते हैं और इस तरह का जागरूकता अभियान चलाते हैं, उन लोगों को भी। यहाँ पे शिवम जी से भी एक मेरी शिकायत है कि पूरे पॉइंट को उन्होंने सिर्फ शराब पे लेके चले गए। अरे मनोज जी बिहार में है, हाँ। वहाँ शराब बंदी है भाई साहब, वो शराब पे डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं। तो वो जवाब ही नहीं दे सकते आपको। आप देखिए, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज जी, आप एक विपक्ष के तौर पर बिहार के अंदर 21 विधायक लेके बैठे हुए हैं, जो सरकार नहीं कर पा रही है, क्या आप खुद नहीं कर सकते थे? आप भी कर सकते थे, आप भी अपने पार्टी वर्कर के साथ एक कमिटी बनाकर और उनके साथ में लेकर खाली जागरूकता अभियान नहीं चलाते, सरकार की नाकामियां नहीं गिनाते, सरकार के साथ में मिलकर कुछ काम भी कर सकते थे। आपने इतनी अपनी जो एनर्जी अभी टीवी पे लगाई, मानता हूं बैंडविड्थ का इशू था, आपको थोड़ा सा आवाज तेज करना पड़ा होगा। हाँ। लेकिन जो जितनी ताकत आपने यहां लगाई, उतनी ही ताकत आप सहयोग करें डीएम को, सहयोग करें सरपंच को, सहयोग करें सरकारी मशीनरी को, तो जरूर हम लोग कोरोना से जीतेंगे और आगे भी निकल जाएंगे। सिर्फ ट्विटर पे कुछ नहीं होगा भाई साहब, प्लीज जागरूकता अभियान बंद करिए, एक्शन करिए। बदले में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। चलिए ठीक है, धर्मवीर जी मैं आऊंगी, शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, मैं शराब इसलिए कर रहा था क्योंकि उस बात पर मनोज जी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, बिहार में शराब बंदी है तो अभी तो सभी जगह बंदी है। दूसरी बात, मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, सृष्टि जी ने मुझसे पीपीई किट्स को लेकर सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, उन्होंने मेरे को राजस्थान को लेकर पूछा, मैंने जवाब दिया, मैंने सभी तमाम चीजों को कवर किया। मेरे कुछ सवाल इसलिए मनोज जी से हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, उस शराब और वो इस्तीफा कोई जवाब नहीं आया उस पर, उन्होंने बस बिहार 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 करते रहे। अच्छी बात है, करना चाहिए, बात यहां देश की और उत्तर प्रदेश और सब जगह की हो रही है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मैं मानता हूं क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कहीं भी गलत कोई काम कर रही है या विपक्ष को ऐसा लगता है कि गलत कर रही है तो उस पर जवाब जरूर, सवाल जवाब होना चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस देश की और टेस्टिंग की और हेल्थ केयर की, तो देखिए कांग्रेस का सेलेक्टिव एमनीशिया देखिए क्या है। उन्होंने जमात पर पूरे के पूरे पिछले एक डेढ़ महीने से एक शब्द नहीं कहा, न सोनिया गांधी ने कहा है, न राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा ये जो अभी महाराष्ट्र में हुआ, एक शब्द नहीं निकला किसी के मुंह से भी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स पर जो पत्थर मारे जा रहे हैं और किस समुदाय से मारे जा रहे हैं सबको पता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहा। उसके अलावा तमाम जितनी भी चीजें हैं सब पर वो एक घंटा नॉनस्टॉप बोल सकते हैं। हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपने कहा कि पीपीई किट्स को लेकर सरकार को पहले से पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, मैंने जवाब दिया। हाँ। कि हाँ हमने उस पर रोक लगाई, आने वाले समय में जो भी चीजें होंगी सब जनता के सामने होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को लेकर आगे जाना इज नॉट रियली गुड। और जहां तक बात धर्मवीर सिंह जी ने कहा छात्रों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच
पहुंचाने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सरकारें, जो क्षेत्रीय सरकारें, राज्य सरकारें कर सकती थी उन्होंने किया, जो सरकारें किसी वजह से या फिर लॉकडाउन के एक्स वाई जी रीजन से नहीं कर पाई, चाहे वो बिहार की भी सरकार हो, उन्होंने अलग अलग राज्य सरकारों को विभिन्न पैकेजेस दिए ताकि जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर रहे और ये आगे जाकर स्प्रेड ना हो। मैं मानता हूं सजेशन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय, और मैं उस दर्द को भी अच्छी तरह से समझता हूं कि कुछ जो छात्र हैं वो अपने मां बाप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कहीं पर ह्यूमन बॉम्ब बनकर जाऊं, उससे बेहतर होगा कि मैं जहां पर हूं वहीं पर रुकूं। और हर राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहां पर भी कोई बाहरी लोग हैं दूसरे राज्य के, उनको प्रॉपर खाना और सारी सुविधाएं पहुंचे। ठीक है मनोज जी, देखिए ये सवाल थोड़ा सा लाजमी भी है, क्योंकि जमातियों की बात कर लीजिए, पत्थरबाजों की बात कर लीजिए, जो आप इलेक्शन छोड़िए, आंदोलन छोड़िए, सीएनआरसी छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर्स उनको बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं उनको वो पत्थर मार रहे हैं, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, एकदम कत्ल करने में आमादा हो चुके हैं। आपकी पार्टी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक आपका रहा है, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, क्या आपने कभी भी एक शब्द बोलने का, जिक्र करने की आप लोगों ने कोशिश की आपकी पार्टी की तरफ से कि हाँ ऐसे लोग ये काम ना करें, जो जमाती अगर इस तरीके से छुपे हुए हैं, कहां पर भी छुपे हुए हैं, वो निकलकर सामने आए, थोड़ा इस तरीके का भी क्या जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की गई? मनोज जी, प्रतिक्रिया लीजिएगा। पहली बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोरोना संक्रमण जो है वो किसी खास धर्म के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए आया है। और हम कह रहे हैं बार बार आपको ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि चाहे कोई भी हो, अगर डॉक्टर जो है हमारे जो सड़कों पर उतर करके या अस्पताल में जाकर के अपने जान को जोखिम में डाल करके किसी की टेस्टिंग करने जाते हैं, किसी की जांच करने जाते हैं, तो उन पर पत्थर चलाना बिल्कुल ही अपराध है। ये सोनिया गांधी जी और ने कहा बिल्कुल गलत है, और इस बात का हम विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के नहीं, लेकिन क्या किसी ने कहा ऐसा आपके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, कहा क्या बताइए, कहीं पर भी कहा हो? आपकी मजबूरी है, आप कमाल है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मजबूरी और ना मजबूरी छोड़िए, सवाल का जवाब दीजिए कि किसी ने कहा क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार भी ऐसा कहा क्या कि नहीं होना चाहिए ऐसा? अगर पत्थर चला रहे हो गलत कर रहे हो। अरे सलमान खान तक ने कह दिया, लेकिन सोनिया गांधी और उसके अलावा राहुल गांधी जी नहीं बोल पाए। मनोज जी आप भी बचकर निकल रहे हैं। मनोज जी ठीक है, आप चलिए ठीक है, आप बहुत, आपने जागरूकता अभियान चला लिया, सब कर लिया। सर मेरा एक जो कंसर्न है, आप ठीक है, आप सुनिए सर, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, एक बार सुन लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। मनोज जी देखिए, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, वो तो सीधा जेल जाएंगे। जितना नुकसान होगा उनकी संपत्ति से हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा, उसमें आप अपील करिए ना करिए, वो आपका अपना कंसर्न है, आपकी अपनी मानसिकता है, आपकी अपनी सोच है कि आपको किस मुद्दे पर बोलना है और किस मुद्दे पर नहीं बोलना है, वो आपकी अपनी पार्टी की गाइडलाइन होगी। मनोज जी, सर ठीक है, मनोज जी, सर आवाज मिल रही है? मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जितना अच्छा काम कर दिया कोविड-19 के लिए, उतना बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। बीजेपी को आपसे सीखना चाहिए, इनको आपसे ट्यूशन लेना चाहिए। 5 सेकंड का एक सवाल है। हेलो मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, सवाल कर सकता हूं आपसे, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे, आप मुझे ये चीज बताइए कि वो आपके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में शराब पाई गई, वो राहुल गांधी के लिए जा रही थी, आम पब्लिक के लिए? सीदा सवाल है, सीदा जवाब दे दीजिए, मैं पूरे प्रोग्राम में यही पूछता रहा। आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, आपके आपका भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक, मैं उसका नाम का और पूरा भेजता हूँ आपको, बैठ करके शराब पीता है, उसके बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया है? मतलब जवाब नहीं, मनोज जी बीजेपी वाले कर रहे हैं तो कांग्रेस। अरे आपने डेली मिसलेनियस का पास लगा रखा था उस गाड़ी पर,
आपने पास ले रखा था कि हम जनता की सेवा करेंगे, कमाल कर रहे हैं और आप उसको बाहर भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, छोड़ते छोड़ते इस बात को, छोड़ते मनोज जी शांत हो जाइए सर। बार बार आपको शांत कराना पड़ता है, ये बहुत दिक्कत है, बार बार आपको शांत कराना पड़ता है। मनोज जी सुन लीजिए, आप छोड़िए शराब की बात को, आप छोड़ दीजिए। बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है, आपने कहा बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है, इनके जो भी विधायक नेता मंत्री शराब पी रहे हैं पीने दीजिए, आप भी पीजिए और सब लोगों को पिलाइए, जहां से मिल रही हो वहां से पिलाइए। मनोज जी मेरा जी पूछिए, पहला जवाब दे दूं आपको मनोज तिवारी जी, आपको जवाब दे सकता हूं क्या मैं? जवाब तो सुन लीजिए जी। मनोज जी मेरे पास में ज्यादा समय नहीं, जल्दी से शिवम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा सीधा है, मेरे संज्ञान में कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके संज्ञान में कोई बात है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और उससे ऊपर की अथॉरिटी को अवगत कराएं, जरूर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत कीजिए, आप उस चीज की चिंता ना करें। आप जागरूकता फैला रहे हो तो एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इस बात को लेकर भी पहुंच जाइए, जरूर इस बात का हल जरूर निकलेगा। बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको मनोज जी है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कार्यवाही जरूर होगी, वहां पर जाकर उस जिले के जिलाधिकारी से अपनी एप्लीकेशन लगाइए, जरूर सुनवाई होगी। ठीक है मनोज जी सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, कि आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप विधायक क्या कर रहे हैं आपको सारी चीजें मालूम है, मेरा जो आपसे कंसर्न जो सवाल का है सर वो ये है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, चलिए बीजेपी नहीं मास्क दे पा रही है, ग्लव्स नहीं दे पा रही है, कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष में बैठी पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी जो इतने देश में इतने सालों से जिस पार्टी ने राज किया हो, उसने आखिरकार अभी तक COVID-19 से देश को बचाने के लिए क्या क्या किया है, कितने लोगों को खाना खिला दिया, कितने लोगों को राशन बांट दिया है, कितने लोगों को ग्लव्स और मास्क बांटे गए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या क्या किया गया है सर जो बीजेपी को सीखने की जरूरत है, जल्दी से 10 सेकंड में बताइए। चलिए ठीक है मनोज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मनीष जी जल्दी से आखिरी कमेंट। मैं सिर्फ एक चीज अभी मिस कर रहा था कि जैसे सीए एनआरसी के समय पे प्रियंका जी बहुत एक्टिव थी, वो इन दिनों दिखाई नहीं दे रही। चलिए बिल्कुल मनीष जी, कुछ टेक्निकल उसकी वजह से मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है। फिलहाल आप सभी का, इस मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके की सिचुएशन आपने यहाँ जाहिर तौर पर देखी है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है, चाहे वो जमाती हो, पत्थरबाज हो या सियासतदान हो, समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल के बस इतना ही, नमस्कार।